नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? यदि आपने इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया ऐसा करना सुनिश्चित करें। इसके आगे घंटी के आइकॉन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कब चैनल में अपलोड किया गया है। कृपया इसे अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनके जीवन को आप चमकाना चाहते हैं। अब कहानी में आते हैं। एक कस्बे में एक अमीर आदमी रहता था। वह बहुत पैसा कमा रहा है क्योंकि वह बचपन से ही निरंतर नियोजित समर्पित कड़ी मेहनत के साथ काम करते थे, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। फिर वह अपने बचपन के दोस्त जो उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था उसके पास गया और उससे सलाह ली कि वह कैसे मानसिक शांति पाए। फिर उन्होंने कहा कि इन सभी वर्षों में तुमने तुम्हारे बारे में अर्जित किया है, अब तुम इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करो, तब तुमको अधिकतम संतुष्टि और मानसिक शांति मिलेगा। अमीर आदमी ने पूछा कि वह क्या कर सकता है। तब उनके दोस्त ने उन्हें बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए कहा, यही समाज के लिए सबसे अच्छी सेवा है। उन्होंने कहा कि आप कुछ लोगों को चावल खिला सकते हैं, लेकिन यह सबसे अच्छा होगा अगर लोगों की खुद की कमाई की क्षमता बनाई जाए। वह बहुत खुश था और अपने दोस्त की सलाह पर उसने पहाड़ी इलाकों में लगभग 100 स्थानों पर स्कूल स्थापित किए, जहां कोई स्कूल नहीं थे और उनमें से अधिकांश दूरस्थ थे। उन्होंने वहां काम करने वाले आदिवासी व्यक्तियों को अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को रहने के लिए आश्रय की भी व्यवस्था की और उन शिक्षकों की भर्ती की जिनके पास बहुत अच्छी सेवा की गुणवत्ता थी। लेकिन उनके द्वारा स्थापित प्रत्येक स्कूल में सभी बच्चे एक दूसरे को शपथ दिला रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को धक्का देना और दैनिक आधार पर गंभीर संघर्ष पैदा करना। इसके साथ सभी शिक्षकों ने उनसे कहा कि उनके लिए उनके स्कूलों में काम करना मुश्किल होगा। फिर से वह अपने आध्यात्मिक मित्र के पास गया और उससे सलाह मांगी कि अब क्या करना है। उन्होंने अमीर आदमी से कहा कि बच्चों को घोषणा करें कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं और इसमें भाग लेने वाले बच्चों के लिए विशेष पुरस्कार होंगे। हालांकि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शर्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी कक्षा में 3 बच्चों की अच्छी आदतों और व्यवहारों की पहचान करनी चाहिए। प्रतिदिन 10 बच्चों को यह कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षकों से अपने द्वारा स्थापित सभी स्कूलों में ऐसा ही करने की घोषणा किया। हर दिन 10 बच्चे उठते और एक के बाद एक अपने साथियों की अच्छी आदतों के बारे में सबको बताते। ठीक 10 दिन बाद पूरे स्कूल का माहौल बदल गया। वे सभी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन सभी में एक व्यक्तिगत अनुशासन प्रतीत हो रहा था। शिक्षक चौंक गए। 10 दिन बाद उन्होंने प्रतियोगिता का संचालन किया और प्रत्येक बच्चे को हर किसी से बात करने का अवसर दिया। बच्चों के सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन सभी को हर स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रचारक के रूप में सम्मान पत्र दिया गया। फिर उसने जाकर अपने दोस्त को बताया कि यह एक चमत्कार था और पूछा कि यह कैसे बदल गया, यह कैसे हुआ। तब उनके मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति में दिव्य आत्मा है। हालांकि सब व्यक्ति के आसपास की स्थितियों के कारण यह स्पष्टता में पड़ता है। हालांकि बच्चे की प्राकृतिक प्रकृति भगवान की होती है, वे अनजाने में अपने आसपास के समाज की नकल करते हैं। यहाँ उनमें से हर एक अपने साथियों में अच्छाई देख रहा है और इसके बारे में बात कर रहा है, वही उन सभी को बदल दिया है। एक श्वेत पत्र पर एक काले बिंदु है तो हम सब लोग उस काले बिंदु को देखते हैं, लेकिन जब हम काले बिंदु के चारों ओर सफेद देखते हैं तो हमारा समाज स्वर्ग बन जाता है। दोस्त, हम सभी अपने आसपास इतने मानसिक प्रदूषण से घिरे हुए हैं। यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता,
लेकिन हमारे आसपास के लोगों को लगातार आंकने में हमारी प्राणिक ऊर्जा बर्बाद हो रही है। हमारा जीवन सबसे अच्छा आदर्श जीवन बन जाता है अगर हम अपनी जीवन शक्ति को अपने विकास और दूसरों की मदद करने पर केंद्रित करते हैं। चमत्कार का एहसास तब होता है जब हर कोई अपने साथियों की पहचान करता है और उनके बुरे लक्षणों की आलोचना करके उन्हें अकेला छोड़ना बंद करता है। संस्कृत में लिखी नैतिकता की एक कविता है, केयूरानी न भूष्यन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनंग न कुसुमंग नालंकृता मूर्धजा, वान ये का समलंग करोति पुरुषं या संस्कृता धारिते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तं वाग्भूषणं भूषणम्। इसका सारांश क्या है कि शरीर को आभूषणों और मालाओं से सजाना और खुद के बारे में अच्छा महसूस करने का क्या फायदा है? जब किसी के भाषण से दूसरों को परेशानी होती है और चिंता होती है तो शारीरिक बनावट का क्या उपयोग होता है? यद्यपि शरीर अलंकार का अर्थ महंगे गहने और पुष्पमालाओं से सजाना है, लेकिन वह अलंकार वास्तविक अलंकार नहीं है। इसके अलावा ऐसी सजावट हमेशा लुप्त होती है और वे किसी व्यक्ति को खूबसूरती देने के लिए स्थायी नहीं होते हैं। सच्चा अलंकार मन में होता है, जिसमें अच्छे मूल्य और गुण होते हैं, जैसे कि प्रेम, सहानुभूति, त्याग और करुणा। इन सद्गुणों की अभिव्यक्ति एक भाषण है जो श्रोताओं को शांति और आनंद देता है। यह वास्तविक अलंकार है और यह वास्तविक अलंकार है जो हर एक को ऐसा होने का इरादा होना चाहिए। इस श्लोक का बार बार जप करने से व्यक्ति को अपने आभूषण पर जो अभिमान और अधिकार होता है उससे छुटकारा मिल जाएगा और मन दूसरों को सुखदायक भाषण देने पर रहता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।